पंडित जी, अरे मैं आप ही को तो ढूंढ रहा था। अरे कहाँ चले गए आप? अरे यहाँ कितनी समस्याएं हैं ये दुनिया में, अनेक लोग जो समस्या से घिरे हुए हैं। आप तो बिल्कुल जानते हैं, देव साहब को भी समस्या थी, वो चाहे राजेश खन्ना हो या फिर वो जो भी फिल्म स्टार हो। अरे आपको तो मालूम है ना, फिल्म स्टार लोग बहुत 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 ही ज्यादा पंडित जीओं का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पंडित जी, मैं तो आया हूँ कि बेल्स और टीवी में जब आप आए हैं तो पूरी दुनिया की समस्या जो है उनके लिए कुछ ज्ञान बांटिए। हम तो ये चाहते हैं कि हर मंगलवार के दिन आप बेल्स और टीवी में आइए और ये कीजिए कि पब्लिक को अपनी समस्याओं के बारे में बिल्कुल ज्ञान दीजिए। अब बहुत सारे प्रश्न होते हैं। अब देखो ना, हमारे पड़ोस में वो काशी काकी, अब काशी काकी का समस्या का मैं क्या बात करूं। तीन लड़के हैं, तीनों लड़कों पर देश, काशी काकी अकेली। अब मुझे वो रोज टुकुर टुकुर देखती है तो मुझे लगता है कि काशी काकी, ऐसा लगता है कि वो उसको मुझ में वो बच्चा नजर आ रहा है। अब पंडित जी कुछ तो बताए, काशी काकी का क्या हालत है? तीन तीन बच्चे होते हुए भी वो अकेली रहती है। दरअसल मैं उनको तो देखा नहीं जी, जब देखूंगा तब उनका कुछ बता सकता हूँ। अच्छा जी, छोड़िए तो काशी जी का तो मैं इस वक्त ना फोटोग्राफ है मेरे पास में, ना मेरे पास में कोई वो बात है। लेकिन अभी फिलहाल एक फोटोग्राफ मेरे पास में है, वो है रमा मैडम का। अब आप ये मत बोलना कि रमा मैडम के बारे में मैं अभी नहीं बता सकता, मुहूर्त नहीं है। तो ये है रमा मैडम, इनका फोटोग्राफ है और ये कहना चाहती है। अब रमा मैडम के बारे में मैं एक ही बात बताऊंगा, रमा मैडम की जो है ना बच्चे तीन नहीं है, एक ही है, हस्बैंड भी एक ही है। हस्बैंड को एक ही होता है ना। दर्शकों माफ कीजिए, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, मेरा कहने का मतलब तो यही था सिर्फ कि रमा जी को एक इकलौता लड़का है जी, और लड़का बड़ा ही होनहार है, किसी बात की कमी नहीं है। अच्छा। और रमा जी बहुत खुश जिंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा। लेकिन एक बार मैंने उनको पूछा कि रमा जी, आप वैसे तो ऊपर से खुश नजर आते हैं लेकिन कभी कभी मुझे एक दो बार आपको देखा तो आपके आंख में आंसू थे, तो मामला क्या है? तो उन्होंने मुझे बताया कि अरे छोड़ो यार, जाने दो। पंडित जी आप बताए ना, मुझे तो बड़ी दिलचस्पी है कि ये रमा जी है, उनकी जिंदगी में क्या लफड़ा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या, कैसी समस्या है? ये देखिए फोटो, ये जो फोटो है ये देख लीजिए। हाँ बिल्कुल, ये वैसे चतुर नारी है, चतुर नारी है, क्योंकि वैसे इस नारी का जो अस्तित्व बोध और राहु ये बुद्धि मिली हुई है, इसलिए बुद्धि नाशको कर जाता है। और दूसरी बात क्या है, इनका फेस और इनका वर्णन जो है ये मतलब सूर्यांतर योग है, और सूर्यांतर योग रहने के कारण से ऐसी महिला, ऐसी स्त्री एक जीवन पर निर्भर नहीं रहती। ओ जी हाँ, तो मतलब एक जीवन संगनी पर निर्भर रहना असंभव है। चलो भाई दर्शकों, आपकी जीवन की समस्याओं के बारे में आप सिर्फ अपना फोटोग्राफ भेजिए और देखिए पंडित जी, नाम बताइए, उम्र बताइए और पंडित जी क्या क्या देश दिखा सकते हैं आपके बारे में। और पंडित जी मैं तो चाहता हूँ कि आपसे जुदा ना हो, पर मुझे लगता है कि वक्त अभी हमें ज़्यादा नहीं मिल रहा है। तो belzo.tv आपका ये जो यहाँ पर आप आए हैं तो उसके बारे में बहुत ही खुश है, और सारे दर्शकों भी खुश होंगे। और मैं चाहता हूँ कि मैं दर्शकों को अभी विदा चाहता हूँ, और धन्यवाद धन्यवाद और आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।